नैनीताल जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल ने अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें जिले के कई जगह से आए लोगों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्याओं को रखा। डीएम के जनता दरबार में आज राज्य आंदोलनकारियों ने पेंशन का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि सीएम की घोषणा के बावजूद राज्य के आंदोलनकारियों की बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल रही है, जिस पर जिलाधिकारी गबरियाल ने एसडीएम एफआर को कार्रवाई के निर्देश दिए। हल्द्वानी कैंप कार्यालय में लगे जनता दरबार में शहर की सड़कों में हो रहे गड्ढों को लेकर हंगामा हुआ। वहीं सड़कों में गड्ढों से मंडी क्षेत्र में आए दिन दुर्घटना हो रही है। मामले में जिलाधिकारी ने एक सप्ताह के भीतर गड्ढों को भरने के आदेश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि आज उनके सामने अधिकतर जमीन से जुड़ी परेशानियों को लेकर लोग पहुंचे। वहीं कुछ अन्य विभागों की जो शिकायतें मिली है उनसे संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। जनता दरबार लगाया, लगातार आपके द्वारा जनता दरबार लगाया, कितनी इसमें लोगों की परेशानियों के समाधान किए जा रहे हैं अभी तक? तो देखिए 12 बजे तक लगभग 35 के करीब एप्लीकेशन आए हैं और मैक्सिमम लोगों के जमीन से रिलेटेड मैटर्स हैं, तो उसमें काफ़ी हम लोगों ने उसको सॉल्व भी कर लिया है। और साथ ही साथ जो बाढ़ आ रही है, जिन जगहों पर दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पर हम लोग जो उन्होंने बताया उस पर टीमें भी हम लोगों ने भेज दी हैं, और टीमों के आने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो समाधान हो सकता है उसका हम लोग करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के लिए हल्द्वानी से जफर अंसारी की रिपोर्ट।